नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला निवासी अनुज गुप्ता ने शनिवार को समारण न्यायालय परिसर पहुंचकर अपने भाई द्वारा जबरदस्ती दुकान कब्जा कर लेने संबंधित आवेदन उपायुक्त के नाम देकर कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि मेरे भाई धीरज कुमार गुप्ता द्वारा नगर निगम गली में संचालित मेरे हिस्से की दुकान को जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, साथ ही कई बार मकान को तोड़कर छीनते व मारपीट भी किया है। बताया गया कि प्रॉपर्टी मामले को लेकर विगत 7 वर्षों से विवाद चल रहा है। इसको लेकर कई बार सुलहनामा भी हो चुका है, परंतु हर बार भाई धीरज कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी अपर्णा गुप्ता एवं अन्य सहयोगियों द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता है। बताया गया कि इस संबंध में कई बार थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण दिन ब दिन मेरे भाई का मनोबल बढ़ता जा रहा है और मेरे घर को क्षतिग्रस्त कर लड़ाई झगड़ा कर रहा है। मेरे भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद लगभग पिछले 7 सालों से है। इन 7 सालों में कई बार सुलहनामा हो चुका है, परंतु हर बार मेरा भाई, उसकी पत्नी और उन लोगों के कुछ मित्रों के द्वारा विवाद पैदा कर दिया जाता है। एक बार उन लोगों के यही सब झगड़े से परेशान होकर इसमें हमने सिविल सूट भी कर रखा है। इधर हाल फिलहाल 13 जनवरी 2022 को फिर हम दोनों भाइयों के भी सुलहनामा हुआ और उसके अनुसार हम अपना हिस्से की ज़मीन में मकान बना लिए, परंतु फिर उसके भाई और पत्नी और मित्रों के द्वारा फिर विवाद खड़ा कर दिया गया और मेरे मकान को कभी तोड़कर, कभी चोरी कर, आपने मेरा हिस्सा का दुकान को कब्जा कर परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में हम कई बार आरक्षी अधीक्षक महोदय और नगरखाना में आवेदन दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई कठोर कार्रवाई वैसी नहीं हुई। इस कारण उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और इधर फिर हाल फिलहाल फिर मैंने आज यहाँ तोड़ रहे हैं, कल वहाँ तोड़ रहे हैं, इस तरह करके तोड़ता जा रहा है। आज डीसी महोदय को हम इस संबंध में आवेदन दिए हैं और उनसे अनुरोध है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उसको दंडित किया जाए।